आंखों में आंसू, चेहरे पर उदासी, स्कूल पर लगे आरोपों के बाद कुछ ऐसी ये तस्वीर बीएसए प्रबंधक के सामने आई। आरोपों पर सफाई देते देते उनके आंसू छलक उठे। सपना, बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना, कर्तव्य, उचित मार्गदर्शन करना की बातें उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान की। बीएसएस स्कूल ने फेल हुए छात्रों को लेकर अपनी सफाई पेश की। आरोपों को लेकर बताया गया कि 2020-21 की हाई स्कूल परीक्षा में 198 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसका रिजल्ट 100% रहा, तो वहीं कक्षा 12 में कुल 140 बच्चों में 11 छात्र फेल हुए, जिसमें 23 बच्चों की कंपार्टमेंट परीक्षा होनी है। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसे समस्त छात्र छात्राओं के इम्प्रूवमेंट के लिए 16 से 15 सितंबर के बीच मध्य परीक्षा का आयोजन कराने का प्रावधान किया है। बीएसएस प्रबंधक आरोपों की सफाई देते हुए काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि स्कूल पर लगे सारे आरोप निराधार हैं, कुछ बाहरी तत्वों ने छात्रों का ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे हम चाहें कि पिछले साल हमारा जो रिकॉर्ड था, इस साल हम अचानक बढ़ा दिया, मैंने किया भी कहा भी। आप देखिए, मैं भाइयों खून के आंसू बह रहा हूँ। इतना ही नहीं, बीएसएस गेट के बाहर हुए प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिला शिक्षकों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अभद्रता की, महिला शिक्षकों को जान से मारने की धमकी दी गई। बीएसएस स्कूल की तरफ से इस मामले की लिखित शिकायत भी की गई। लिखित शिकायत में जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बाहरी तत्व शामिल हुए थे, जिन्होंने स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की। साथ ही साथ उनके द्वारा व्हाट्सएप पर बीएसएस को बर्बाद करो का एक ग्रुप चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि बीएसएस पर छात्रों को फेल करने का आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कोचिंग नहीं पढ़ने के कारण छात्रों को फेल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आरबीएल हिंदी न्यूज़।